माय चैनल मैं नगमनी गर्ग कुरैशी नगमन लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। बहुत दिन बाद आज मैं एक फुल वीडियो ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करूंगी। मैं हमेशा शॉर्ट वीडियो, अभी रिसेंटली बहुत बार मैंने शॉर्ट वीडियो दिया है, तो मैं सोची मैं एक पूरा बड़ा वीडियो बनाऊंगी, पूरा मेकअप ट्यूटोरियल आपको दूंगी, कैसे कैसे क्या करना है, नहीं करना है, कैसे आपको मेकअप लुक क्रिएट करना है। आज थोड़ा मैं डिफरेंट ग्लिटरी मेकअप लुक करूंगी, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग मैं आज आई मेकअप से करूंगी। कंसीलर पूरे ऐसे आईब्रोज के ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जैसे मैंने लगाया है वैसे लगाना, ऐसे प्रोमिनेंट आईब्रो फील होता है, एकदम शार्प लगेगा, एकदम खूबसूरत सा लगेगा। तो ये बहुत लोगों को लगता है डिफ़िकल्ट है, बहुत लोग घर में जो रहते हैं जो जिनको मेकअप नहीं आता या फर्स्ट टाइम कर रहे हैं लोगों के लिए बहुत टाइम डिफ़िकल्ट होता है ऐसा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा। आप फ्लैट ब्रश एक लेना, देन कंसीलर थोड़ा ब्राइट एक शेड ब्राइट कंसीलर लेके आप ऊपर की तरफ भी सेम ड्रॉ करिएगा और नीचे की तरफ भी सेम ड्रॉ करिएगा, एकदम इक्वली ड्रॉ करिएगा दोनों तरफ। इसके बाद जो है आपको फिल करना है, ये जो बीच का है बीच का गैप को ऐसे फिल कर देना है। देन आईब्रो फिल करेंगे लॉरियल का ब्राउ आर्टिस्ट किट से, जो मैं हमेशा करती हूँ। पेंसिल इजीली आप कैसे कर सकते हो मैं वो भी आपको प्रोसेस बता दूंगी। जिनके पास ऐसा पैलेट है वो पैलेट से भी कर सकते हैं, जिनके पास अगर ऐसा पैलेट नहीं है, आई शेडो का जो पैलेट होता है, सपोज कोई भी आपके पास ब्राउन आई शेडो का पैलेट हुआ, ब्राउन आई शेडो का पैलेट हुआ, तो कोई भी डार्क कलर का ब्राउन से आप वो फिल कर सकते हैं। अगर आईब्रो पैलेट है तो आप आईब्रो पैलेट से भी कर सकते हैं। तो मेरे पास आईब्रो पैलेट है तो मैं आईब्रो पैलेट से आपको करके दिखा रही हूँ कैसे करना है। देन अगेन वैक्स एंड पाउडर एक साथ मैं ले रही हूँ। वगैरह में बहुत बार ऐसा आईब्रो हम लोग देखते हैं तो बोलते हैं कि ये बहुत डिफिकल्ट होगा, कैसे करेंगे हम लोग घर में, कैसे ट्राई करेंगे। तो इजी वे है, आप अपना पैलेट से या ब्राउन आई शेडो से, मैं एक साइड पैलेट से यूज़ कर रही हूँ, दूसरे साइड में आई शेडो से भी आपको। आज मैं सिर्फ आई मेकअप के ऊपर आपको ट्यूटोरियल दे रही हूँ कि आई मेकअप मतलब ईजी वे भी है, एक डिफिकल्ट वे भी है, आपको जो जैसा लगे आप वैसे ही फॉलो कर सकते हो। सामने की तरफ एकदम आप लाइट ऐसे कॉम करना, कॉर्नर में थोड़ा सा डार्क करके लगाना, देन सेम मैं इसको भी वैसे ही। देन दूसरी तरफ मैं ब्राउन आई पैलेट से करूँगी। इसलिए सपोज आपके पास आई शेडो है तो उससे आप घर में डार्क आई शेडो से ब्राउन या ब्लैक कुछ भी है दोनों को मिक्स करके एक आईब्रो फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास पेंसिल ये इजी वे है, आप हल्का सा ब्राउन को टच कर लीजिए और हल्का सा अगर ब्लैक चाहे तो ले सकते हैं, दोनों को हल्का सा लेके देन मैं ये वाला। बोल सकते हो कि हाँ ब्राउ पैलेट नहीं है तो एक्सपेंसिव वे नहीं ले सकते हो, अगर आप घर में चाहो तो अगर रेडी हो रहे हो पार्टी लुक के लिए तो आप अपना ब्राउन आई शेडो से भी आप अपना आईब्रो फिल कर सकते हैं। आई शेडो से भी बहुत ही अच्छा लग रहा है लगाया हुआ, प्रोफेशनल लुक आप बोल सकते हो। जो मेकअप आर्टिस्ट लुक वगैरह अभी बहुत ज़्यादा चल रही है वाला लुक, ये पैलेट ये आपका आई शेडो, उसको ब्यूटी ब्लेंडर से सेट कर लो। आज आई शेडो अप्लाई करूंगी। सपोज आपके पास लिपस्टिक है, ये कलर का लिपस्टिक है या फिर कोई भी कलर का लिपस्टिक है तो उससे आप आई शेडो भी कर सकते हो। हल्का सा मैट लिपस्टिक भी होगा तो आपका वो चल जाएगा। तो ये वाला लिपस्टिक मैं ट्राई करूंगी, ये बहुत ज़्यादा लाइट हो रहा था तो मैंने सोचा ये वाला मैं ट्राई करूँ। तो आप थोड़ा सा लिपस्टिक हाथ में ले लो, देन कोई भी ऐसा फ्लफी ब्रश, कोई भी फ्लफी ब्रश ऐसे लेके हल्का सा इससे निकाल के कर लिया है, देन ऐसा वाला ही मैं इधर भी लगाऊंगी। सेम मैंने वही ब्रश लिया है, देन लिक्विड लिपस्टिक। ब्राइट करेंगे दिन हाईलाइट लुक करेंगे, तो फिर मैं वही एक ब्राइट कंसीलर यूज करूंगी फ्लैट ब्रश के साथ। देन
स्विस ब्यूटी का ग्लिटर यूज़ करेंगे इसी के ऊपर, तो थोड़ा सा ग्लिटरी लुक लगेगा, थोड़ा सा ब्राइट लुक लगेगा। अगर आप पार्टी मेकअप कर रहे हो या पार्टी वगैरह में कहीं जा रहे हो तो आप पिंक का कलर चेंज कर सकते हो या ब्लू कर सकते हो या ग्रीन कर सकते हो। सेम वैसे कट पीस करके, जैसे मैंने कंसीलर से किया है आप देख सकते हो, कट पीस करके ग्लिटरी आपको हाईलाइट लगाना है वहाँ पे। आप सिल्वर, अगर नाइट पार्टी है तो आप सिल्वर लगा सकते हो या फिर आप गोल्डन लगा सकते हो। मैं शैम्पियन कलर लगा रही हूँ इसी ब्रश से। मैं ब्रश से, अब इसका ब्रश से अप्लाई करने से ये थोड़ा ज़्यादा निकल जाता है, तो मैं हल्का सा इधर दूंगी, देन मैं नॉर्मल एक ब्रश से उसको पूरा सेट करूँगी। ऐसा ग्लिटरी मेकअप बहुत ज़्यादा ही ट्रेंड में चल रहा है कि ऊपर में कुछ भी आप कट क्रीज कर सकते हो, देन कंसीलर से करके कोई भी हाइलाइटर आप लगा लो, या सिल्वर या गोल्ड या शैम्पियन कलर। मैंने शैम्पियन कलर लगाया है, ये आपका पार्टी वेयर पूरा मेकअप ही हो जाएगा कि आप कोई भी पार्टी में जा रहे हो तो आप ईजी अप्लाई कर सकते हो। ये देखिए फाइनल लुक आइस का। देन आप चाहो तो लाइनर भी लगा सकते हैं उसके ऊपर, हल्का सा पतला सा विंक करके, अगर नहीं चाहिए तो आप वैसे ही छोड़ सकते हैं। आईब्रो के नीचे की तरफ मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूँगी, तो कोई भी हाईलाइट कलर आप ले लो, गोल्डन या सिल्वर, कोई भी हाईलाइट कलर आप ले लो। देन इसके बाद हल्का सा आईब्रो के नीचे मैं हाईलाइट करूँगी, थोड़ा सा शीन करे, थोड़ा सा ग्लोई इफेक्ट। ये देखो, पहले भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो। आप चाहे तो आईलाइनर लगा सकते हो, आप चाहे तो नहीं भी लगा सकते। तो मैं एक क्विक बेस मेकअप कर लेती हूँ, क्योंकि मैं आज सिर्फ आई मेकअप को, मैंने सोचा कि आप लोगों को खाली मैं आई मेकअप करके देखाऊं, क्योंकि बेस मेकअप तो हम लोग का जो होता है रेगुलर वही होता है, प्राइमर देन फाउंडेशन कंसीलर हाईलाइट। आई मेकअप भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो मैंने सोचा थोड़ा आई मेकअप के ऊपर ही मैं थोड़ा सा थोड़ा डिटेल्स में आपको बता सकूं। तो मैं क्विक एकदम आपको बेस मेकअप करके दिखा रही हूं। बेस मेकअप कंप्लीट हो गया है पूरा, मैंने थोड़ा स्पीड में ये मेकअप लुक आप लोगों के साथ शेयर किया है। देन इसके बाद मैं आई मेकअप कंप्लीट करूँगी, जैसे मैंने ऊपर की तरफ किया था एक फ्लैट ब्रश लेके एंड देन फ्लबी ब्रश लेके, वैसे ही सेम आपको करना है नीचे की तरफ भी। पहले आप एक फ्लैट ब्रश लेके उसे अच्छे से ड्रॉ कर लो, देन कोई भी ब्लेंडिंग ब्रश या फ्लफी ब्रश लेके उसे प्रॉपर इक्वली आप ब्लेंड कर लो आई एरिया के नीचे की तरफ के, दोनों साइड ना आपका इक्वल लगे लगाया हुआ, जैसे आपने ऊपर लगाया सेम वैसे नीचे लगे भी लगाया हुआ। इसके बाद मैं आज मस्करा में यूज़ कर रही हूँ लॉरियल का लैश पैराडाइज मस्करा, वाटरप्रूफ मस्करा है, इसका वॉल्यूम बहुत हाई है। मैंने सोचा एक लैश में मैं मस्करा ट्राई करूँ, देन दूसरे साइड में मैंने फॉल्स लैशेस ट्राई किया, तो दोनों का लुक ही बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो रहा था। ये देखिए फॉल्स लैशेस, देन मैंने उसको भी फॉल्स लैशेस ही कर लिया जिसमें मैंने मस्करा लगाया था। उसके बाद मैं एस क्यूब का वाइट काजल यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि आप कभी भी ऐसा स्मोकी लुक करते हो, मतलब ऐसा पार्टी वियर लुक करते हो तो वाइट काजल ज़्यादा अच्छा लगता है लगाया हुआ। देन इसके बाद मैं लॉरियल पेरिस का ही लाइट न्यूट कलर का लिपस्टिक मैंने अप्लाई किया है। ये रहा मेरा फाइनल लुक, मैंने हेयर ओपन किया है। ये फाइनल लुक आप लोगों को कैसा लगा? ये वाला लुक आप ज़रूर पार्टी में या फिर कोई भी ओकेशन में ट्राई कर सकते हैं, कहीं अगर आप जा रहे हैं वहाँ भी ट्राई कर सकते हैं। बहुत इजी है, स्टेप बाय स्टेप आप आराम से फॉलो करिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें नगमा लाइफस्टाइल। थैंक यू।